Hello everyone. Today we'll be starting with patents and intellectual property rights. This topic is a three marker and five marker question topic. In this following topic, we'll be identifying the three markers as well as five markers. साथ ही साथ हम लोग इसमें से अगर कोई specific pre question भी आ रहा होगा, हम उसे भी deal करते हुए चलेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, या फिर जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं आईपीआर. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर आर द राइट्स गिवन टू द पीपल ओवर द क्रिएशंस ऑफ देयर माइंड. दे यूजुअली गिव द क्रिएटर एन एक्सक्लूसिव राइट ओवर द यूज ऑफ हिज और हर क्रिएशन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. सो आईपीआर बेसिकली है क्या, ये प्रॉपर्टी राइट है जो कि दिया जाता है फॉर एनी क्रिएशन ऑफ माइंड. जैसे नॉर्मली हम कोई घर वगैरह बनाते हैं, जमीन वगैरह खरीदते हैं, तो उसके ऊपर हमें प्रॉपर्टी राइट या फिर वो डॉक्यूमेंट बनानी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है टू शो केस कि ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी, चाहे वो घर हो या फिर जो जमीन हो, ये किसके बिलोंग करती है, रजिस्ट्रेशन करी जाती है. सिमिलरली जब हम हमारी ब्रेन को इस्तेमाल करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई आइडिया बनाते हैं, कोई थॉट बनाते हैं, कोई कोई भी चीज़ जब हम ब्रेन को यूटिलाइज करके बनाते हैं, तो उसी आइडिया के लिए, उसी थॉट के लिए जो प्रॉपर्टी राइट दी जाती है, हम उसे क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. ठीक, तो इस चीज़ को याद रखिएगा. जहाँ पे बंगले वगैरह हो गए, घर वगैरह हो, जमीन, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है और उसे एक्वायर करने के लिए हम फिजिकल प्रॉपर्टी राइट रखते हैं. लेकिन ब्रेन की उपज, इंटेलेक्चुअल प्रोडक्टिविटी से बनी हुई चीज़ के लिए हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोवाइड करते हैं. Next, IPRs in India are administered by Department for Promotion of Industry and Internal Trade. ये हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. IPR is administered by Department of Promotion of Industry and Internal Trade. ये जो डिपार्टमेंट है, इसका पुराना जो नाम है वो क्या था, Department of Industrial Policy and Promotion. हाल फिलहाल में इसका नेम चेंज हो गया, तो ये हमारे लिए एक प्री क्वेश्चन बन गया. IPR को कौन एडमिनिस्टर कर रहा है, प्लस इससे पहले डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड को क्या कहा जाता था, तो ये हमारे लिए प्री क्वेश्चन बन गया है. एनीवेज, IPR को हम मार्क करेंगे एज अ थ्री मार्कर. मान लेते हैं रेयरली अगर ये फाइव मार्कर में आ गया, तो IPR के अलग अलग टाइप्स हैं, उनके बारे में आपको मेंशन करना पड़ेगा. आगे चल के देख लेंगे IPR के अलग अलग टाइप्स. ओके, जब हम IPR की बात करते हैं, थोड़े इसके हिस्ट्री की भी बात करेंगे. हिस्ट्री ऑफ IPR या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, सबसे पहले जो IP का यूज हमें देखने को मिलता है वो अराउंड 500 BC में देखने को मिलेगा. द आइडिया ऑफ IP डेट्स ऑल द वे बैक टू 500 BC, लेकिन कहाँ पे, इट केम अबाउट बिकॉज द ग्रीक स्टेट ऑफ सिबेरिस अलाउड इट्स सिटीजंस टू ऑब्टेन ए पेटेंट फॉर एनी न्यू रिफाइनमेंट इन लग्जरी. जैसे इंडिया में ज़्यादातर पेटेंट्स 20 साल के लिए दिया जाता है. अगर आप कोई नया नई चीज़, नई प्रोडक्ट बनाते हो, तो उसके लिए आपको जो पेटेंट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो 20 साल तक दिया जाएगा. दैट मीन्स 20 साल तक उस पेटेंट को कोई और इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, अनटिल अनलेस आप उसे परमिशन दो. बट जब हम 500 BC की बात करते हैं, जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की शुरुआत हुई थी, ग्रीस में सिबेरिस के नाम से एक शहर था, जहाँ पे अगर कोई लग्जरियस आइटम बनाया जाता था, कोई लग्जरियस लेट से सोफा डिज़ाइन बना गया, बेड का डिज़ाइन या फिर नेकलेस वगैरह का डिज़ाइन अगर कुछ बनाया जाता था, तो ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, किसी के दिमाग की उपज है. तो उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर रूल ये लगाया गया था कि एक साल तक उस स्पेसिफिक डिज़ाइन की चीज़ को कोई और इस्तेमाल नहीं कर पाएगा. बस जिसके पास ये प्रॉपर्टी राइट है, बस वही यूज़ कर पाएगा. तो इस तरीके से IP की शुरुआत होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की शुरुआत होती है. तो ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, ग्रीस के सिबेरिस नाम के एक शहर से. ये जो हिस्ट्री ऑफ IP है, ये पूरी तरह से प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा. नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टैट्यूट इन्वॉल्विंग एनी IP आइडिया सच एज कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑकर्ड इन यूरोप. कहाँ, किस नेम से ये फेमस है, स्टैट्यूट ऑफ मोनोपोलीज, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट स्टैच्यूट ऑन IP इज स्टैच्यूट ऑफ मोनोपोलीज. कब शुरुआत हुई थी इसकी, 1623 में. ड्यूरिंग दिस टाइम वेरियस गिल्ड्स कंट्रोल ऑल मेजर इंडस्ट्री,
सो दे हैड कंट्रोल ओवर इन्वेंशंस इवन इफ दे डिड नॉट क्रिएट देमसेल्व्स। उस समय मेडिवल एरा में गिल्ड्स वगैरह चलते थे, जैसे यूनियन हुआ आज की तारीख में ट्रेड यूनियन वगैरह है, उस समय गिल्ड्स होते थे, वर्कर गिल्ड कहते हैं हम। तो वर्कर्स गिल्ड के पास ये पेटेंट वगैरह होते थे बिकॉज ऑफ स्टैच्यू ऑफ मोनोपोली, जिसकी वजह से चाहे वो डेवलप करे ना करे, ब्लैक स्मिथ या फिर मेटल वर्क से अगर कोई चीज डेवलप होती है तो वही मेटल वर्क रिलेटेड गिल्ड की प्रॉपर्टी बन जाती थी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए स्टैच्यू ऑफ मोनोपोलीज आई थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, इन 1710 द स्टैच्यूट ऑफ एन केम इन टू बींग। द स्टैच्यूट प्रोवाइडेड 14 ईयर प्रोटेक्शन फॉर एन इन्वेंटर और क्रिएटर। इट ऑल्सो अलाउड इन्वेंटर्स टू रिन्यू देयर प्रोटेक्शन फॉर अनदर 14 ईयर्स। किस जैसे 500 BC में जो सिबेरिस के लिए जो पेटेंट था वो 1 साल के लिए था, फिर जो स्टैच्यूट ऑफ मोनोपोलीज वहाँ पे ईयर कहीं पे मेंशन नहीं करा गया था, लेकिन स्टैच्यूट ऑफ एन में ये फिक्स कर दिया गया कि जब आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IPR दिया जाएगा तो 14 ईयर्स तक प्रोटेक्ट करेगा, और ये 14 ईयर्स के दौरान कोई और इस मतलब इस IPR को यूटिलाइज कर ही नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, जो इन्वेंटर है, जो क्रिएटर है, उसके पास एक और ऑप्शन है आफ्टर 14 ईयर्स, ये और एक्स्ट्रा 14 ईयर के लिए रिन्यू कर सकते हैं। दैट मीन्स टोटल 20 ईयर तक आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिल सकती हैं। नेक्स्ट, इन 1883 पेरिस कन्वेंशन, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, वॉज क्रिएटेड। द इंटरनेशनल एग्रीमेंट प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू इन्वेंटर्स सो देयर इनोवेशंस वेर सेफ इवन इफ देर वेर यूज इन अदर कंट्रीज। अब हुआ ये था 1710 की वजह से 14 ईयर का तो आपको प्रोटेक्शन मिल गया, लेकिन कुछ लोगों ने इसका लूप होल निकालना शुरू कर दिया। एक कंट्री में 14 ईयर के लिए उसे कोई और यूज नहीं कर सकता, क्यों ना हम इस पेटेंट को, इस डिजाइन को लेके किसी और कंट्री में चले जाए और वहां पे उसको इस्तेमाल करें, वहां पे उस चीज को प्रोड्यूस करें। तो ऐसी चीजें होने लगी, तो इसको अवॉइड करने के लिए पेरिस कन्वेंशन में फिक्स करा गया कि अगर एक जगह पे पेटेंट हो गया तो यहाँ दुनिया में और कहीं इसको इस्तेमाल नहीं कराया जाएगा। तो इस तरह से पेरिस कन्वेंशन सामने आया था। नेक्स्ट आते हैं 1886 की बर्न कन्वेंशन। इट इज इनिशिएटेड टू प्रोवाइड इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ राइटिंग इंक्लूडिंग सॉन्ग्स, ड्रॉइंग्स, ओपेरा स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स। लिटरली बात करें कॉपीराइट की, जो आप टीवी सीरियल वगैरह देखते हो, मूवी देखते हो, ड्रामा, गाने सुनते हो, जो स्टोरी या फिर जो बुक्स वगैरह पढ़ते हो, उसमें कॉपीराइट प्रोटेक्शन रहता है। और एक कॉपीराइट प्रोटेक्शन शुरुआत क्यों हुई थी? बर्न कन्वेंशन की वजह से। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ IP, हाउ इट हैज इवॉल्व ओवर टाइम। स्टार्टेड इन सिबायरस, इवॉल्व विद स्टैच्यू ऑफ मोनोपोलीज एंड एन, नेक्स्ट पेरिस कन्वेंशन एंड बर्न कन्वेंशन। ये सारे के सारे जो स्टैच्यूट है या फिर कन्वेंशन है, प्लस इनके ईयर, ये आपके लिए प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा, मेंस में इसका कोई रोल है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ IPR। मान लेते हैं अगर IPR हमारे 5 मार्क में पूछा जाता है, तो हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के डेफिनेशन जो कि हम फर्स्ट स्लॉट में पढ़ चुके हैं उसके बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ वेरियस IPR। तो यहाँ पे आ जाता है टाइप्स ऑफ IPR। लेकिन जब हम टाइप्स ऑफ IPR की बात करते हैं, देर आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ IPR: पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन। तो ऐसे करीब 6 अलग अलग टाइप के IPR मौजूद है। इंडिविजुअली सारे के सारे जो IPR हैं, ये 3 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, प्लस इनमें कुछ प्री क्वेश्चन भी है वो हम आइडेंटिफाई करते हुए चलेंगे। तो पहले देखते हैं पेटेंट। पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन विच इज अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस दैट मीट्स कंडीशन ऑफ नोवेल्टी, नॉन ऑब्वियसनेस एंड इंडस्ट्रियल यूज। जो पेटेंट प्रोटेक्शन है ये किस लिए दिया जाता है? कोई नया इन्वेंशन है, कोई नई मेथड है, कोई नया प्रोडक्ट है, उसके लिए पेटेंट इश्यू करी जाती है, जो कि यूनिक होना चाहिए, नॉन ऑब्वियस मतलब सिमिलर नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ उसकी थोड़ी बहुत कमर्शियल वैल्यू भी होनी चाहिए। नोवेल्टी मीन्स इन्वेंटिव स्टेप इज द फीचर ऑफ द इन्वेंशन दैट इन्वॉल्व्स टेक्निकल एडवांसमेंट एज कम्पेयर टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज से थोड़ा सा एडवांस। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो हमारी बॉल पेन है, उसकी जो टिप या फिर निब जिसे हम कहते हैं, उस पर अगर ध्यान दें, वहाँ पे जो बॉल टिप का जो डिज़ाइन है वो पेटेंट कराया गया, जापान की एक कंपनी ने पेटेंट करा रखी है। इससे पहले क्या चलता था? पहले बॉल पेन टिप तो था नहीं, पहले वो फाउंटेन पेन आते थे, फिर
वो नॉर्मल यूज करी जाती थी। लेकिन जापान ने क्या करा, उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलप करी जहां पे फाउंटेन पेन यूज करने की जरूरत नहीं है, बॉल पेन टिप यूज करी। तो ये इनोवेटिवनेस था, नॉन ऑब्वियस था, और इस नए इन्वेंटिव चीज के लिए पेटेंट इश्यू करा गया था। सो पेटेंट हमेशा किसी एक नए प्रोडक्ट के लिए, यूनिक प्रोडक्ट के लिए दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कोको कोला का जो फॉर्मूला है, थम्सअप का जो फॉर्मूला है, वो पेटेंटेड है। दैट मीन्स वो स्टोर करके रख दिया गया, वो कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता है। पेप्सी का जो फॉर्मूला है वो पेटेंटेड है, पेप्सी कंपनी के अलावा और कोई यूज नहीं कर सकता। अगर कोई चोरी करके वो डिजाइन या फिर फॉर्मूला चुरा लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जा सकती है। वैसे सिक्योर है, लेकिन फिर भी अगर चोरी हो जाती है, कोई कॉपी करने की कोशिश करता है, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जा सकती है। तो पेटेंट इस तरह से प्रोटेक्टेड रहता है। नेक्स्ट, पेटेंट्स इन इंडिया आर गवर्न बाय द पेटेंट एक्ट 1970 व्हिच वाज अमेंडेड इन 2005 टू मेक इट कंप्लायंट विद ट्रिप्स। ये जो पॉइंट है, पेटेंट्स एक्ट 1970, ये हमारे लिए प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। पेटेंट्स इन इंडिया आर गवर्न बाय पेटेंट्स एक्ट 1970। पेटेंट को हम मार्क करेंगे एज अ थ्री मार्कर। दो तीन एग्जाम्पल ले लेंगे पेटेंट के लिए, सच एज लेट्स से पेप्सी का फॉर्मूला ले लेते हैं, या फिर बॉल पेन टिप का एग्जाम्पल ले लेंगे। राफेल जो एयरक्राफ्ट है, ये उसका पेटेंट जो है वो डसॉल्ट एविएशन, फ्रांस की जो कंपनी, उसके पास है। तो ये सारे क्या है, पेटेंट्स हैं। उनके अलावा कोई और इसे प्रोड्यूस कर ही नहीं पाएगा अंटिल अनलेस लाइसेंस दिया गया हो। इस चीज को हम याद रखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज ट्रेडमार्क, अगेन अ थ्री मार्कर। देखते हैं इसके बारे में। अ ट्रेडमार्क मीन्स अ मार्क कैपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एंड विच इज कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन अंडरटेकिंग फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स। जैसे यहाँ पे ब्रांड नेम्स दिख जाएंगे, आप इस ब्रांड नेम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। जैसे महिंद्रा टाटा, बोथ मेक ऑटोमोबाइल्स, लेकिन दोनों की गाड़ियों को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अच्छा, ये महिंद्रा की गाड़ी है, ये टाटा की गाड़ी है, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। कैसे, उनके लोगो से या फिर ट्रेडमार्क से। जैसे आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये महिंद्रा का ट्रेडमार्क है, ये टाटा का ट्रेडमार्क है। इससे आप जो फोर व्हीलर, महिंद्रा की कौन सी है, टाटा की कौन सी, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। टैको बेल, बाटा, बिस्लेरी, हमदर्द, वॉल्वो, याहू, क्यों, ये सब चीजें आप इन लोगों से आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये एक डिफरेंट कंपनी है। अ ट्रेडमार्क कैन बी अ डिवाइस, ब्रांड, हेडिंग, लेबल, टिकट नेम, पैकेजिंग, साइन, वर्ड लेटर, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक, जिससे कंपनी की पहचान पता चलती है, आइडेंटिफाई हम कर पाते हैं। ट्रेडमार्क्स इन इंडिया आर गवर्न बाय ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 व्हिच वाज अमेंडेड इन 2010। अगेन, ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एज अ प्री क्वेश्चन, एंड दिस वाज अमेंडेड इन 2010। ट्रेडमार्क को अगेन हम थ्री मार्कर के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, ये एमपी वालों के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाल फिलहाल में बड़ा न्यूज में है ये। देखते हैं इसके बारे में। इट इज अ साइन यूज्ड ऑन एग्रीकल्चरल और नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एज ओरिजिनेटिंग और मैन्युफैक्चर्ड इन अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ अ कंट्री। एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन की जो पहचान जब बन जाती है, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो, नेचुरल प्रोडक्ट हो, या फिर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, अगर किसी एक स्पेसिफिक जगह की वो पहचान बन जाती है, तो उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोवाइड करते हैं। इट डिनोट्स इट्स ओरिजिन वेयर अ स्पेसिफिक क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक और रेपुटेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज एसेंशियली एट्रीब्यूटेड टू दैट ओरिजिन। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, दार्जिलिंग टी, आसाम टी, इन्हें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है। दे आर फेमस फॉर देयर ज्योग्राफिक प्रोडक्टिविटी। एंड अगेन, एक इंपॉर्टेंट प्री क्वेश्चन आपको मिल गया। जो फर्स्ट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया था, इट वॉज गिवन टू दार्जिलिंग टी इट सेल्फ। दिस वॉज द फर्स्ट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ इंडिया। तो हम इसको मार्क कहीं पे नोट डाउन करके रखेंगे कि दार्जिलिंग टी इज द फर्स्ट GI टैग ऑफ इंडिया, ठीक। और ये इंडिया में गवर्न कैसे होती है, GI टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स इन इंडिया आर गवर्न बाय ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। नीचे कुछ मध्य प्रदेश के कुछ GI के प्रोडक्ट्स आपको दिख जाएंगे, चंदेरी फैब्रिक, ये आपको पता ही होगा, अशोकनगर, लेदर टॉयज ऑफ इंदौर, बाघ प्रिंट्स,
ये फेमस है अगेन धार के। नेक्स्ट, बेल मेटलवेयर ऑफ धत्ती एंड टिकमगढ़, माहेश्वर के सारीज एंड फैब्रिक्स, प्लस रतलाम के सेव, फिर झाबुआ के कड़कनाथ एंड ऑल। तो ये क्या है, ये ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स हैं ऑफ मध्य प्रदेश। अगेन दीज एग्जाम्पल्स ऑफ GI टैग्स ऑफ MP आर इम्पोर्टेंट फॉर प्री। स्पेसिफिकली कौन कौन से वेरियस GI टैग्स दिए गए हैं फॉर MP, प्लस किस प्लेस को दिया गया है, जैसे कि चंदेरी कहाँ के लिए, अशोकनगर के लिए, लेदर टॉयज कहाँ के लिए, इंदौर के लिए, बाघ प्रिंट्स धार के लिए, बेल मेटलवेयर कहाँ के लिए, धतिया टिकमगढ़, माहेश्वर 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 सारीज फॉर माहेश्वर, फिर कड़कनाथ झाबुआ के लिए, रतलामी सेव रतलाम के लिए। तो ये प्लेस हम याद रखेंगे। प्लस सबसे पहला जो GI टैग था वो किसे दिया गया था, ये दार्जिलिंग टी को दिया गया था। इस चीज को हम याद रखेंगे। अगेन ज्योग्राफिकल इंडिकेटर 3 मार्कर, जो एक्ट है वो प्री के लिए, और MP के जो अलग अलग GI टैग्स हैं वो भी प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कॉपीराइट। कॉपीराइट इज अ राइट गिवन बाय द लॉ टू क्रिएटर्स ऑफ लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क्स एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग। द राइट अलाउज इट्स क्रिएटर द राइट ऑफ रिप्रोडक्शन कम्युनिकेशन टू द पब्लिक, एडेप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ वर्क। किसी भी लिटरेरी आर्ट के लिए, चाहे वो स्टोरी हो, फिल्म हो, टीवी सीरियल हो, ड्रामा हो, म्यूजिक, पेंटिंग, बुक्स वगैरह हो, किसी भी लिटरेरी आर्ट के लिए जब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा जाता है, हम इस प्रोटेक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉपीराइट। जैसे आपने कई बार देखा हो, कोई टीवी सीरियल या फिर मूवी खत्म होती है वहां पर लिखा रहता है कॉपीराइट प्रोटेक्टेड, म्यूजिक वगैरह के ऊपर भी लिखा रहता है कॉपीराइट प्रोटेक्टेड, ये वही कॉपीराइट है। कॉपीराइट्स इन इंडिया आर गवर्न बाय कॉपीराइट एक्ट 1957। नीचे आपको दिख जाएगा कॉपीराइट का जो सिंबल है, आपको ये दिख जाएगा, द स्पेसिफिक सी एंड द सर्कल अराउंड इट इज द सिंबल फॉर कॉपीराइट। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, अगेन 3 मार्कर। एन इंडस्ट्रियल डिजाइन कंसिस्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ ए शेप, कॉन्फिगरेशन और कंपोजिशन ऑफ पैटर्न और कलर, और कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न एंड कलर इन अ 3D फॉर्म कंटेनिंग एस्थेटिक वैल्यू। एन इंडस्ट्रियल डिजाइन कैन बी ए 2 और 3 डायमेंशनल पैटर्न यूज टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल कॉमोडिटी और हैंडीक्राफ्ट। जैसे एग्जाम्पल में आपको ये दिख जाएगा, डिफरेंट हेडलाइट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ये इंडस्ट्रियल डिजाइन है। अलग अलग कार कंपनी के लिए अलग अलग इंडस्ट्रियल डिजाइन है। ठीक, सो इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या है, एक 2D 3D प्रोडक्ट है फॉर एनी कंपनी और फॉर एनी प्रोडक्ट। डिजाइन्स इन इंडिया आर गवर्न बाय डिजाइन्स एक्ट 2000। नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी 3 मार्कर एंड प्री के लिए हम मार्क करेंगे। नेक्स्ट, प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन देखते हैं इसके बारे में। इट रिफर्स टू प्रोटेक्शन ग्रांटेड फॉर प्लांट वेराइटीज। दिज राइट्स आर गिवन टू फार्मर्स एंड प्लांट ब्रीडर्स टू एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट्स। अगेन इसके लिए क्लॉज है, नेचुरल या फिर वाइल्ड वेराइटी ऑफ प्लांट्स के लिए प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। ये जो प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन है, ये खाली हाइब्रिड प्लांट्स के लिए, आर्टिफिशियली बनाई हुई प्लांट्स के लिए दिया जाता है। जैसे कि तुलसी का पौधा, ये नेचुरल है, नीम का पौधा है, ये नेचुरल पौधे हैं, इनके लिए हम पेटेंट नहीं देते। लेकिन लैब में या फिर वो कटिंग ग्राफ्टिंग करके अगर हम कोई हाइब्रिड प्लांट बनाते हैं, उसके लिए प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन दी जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं BT कॉटन, इसके लिए प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन है। किसे दिया गया है, मोनसेंटो कंपनी को दिया गया है, अमेरिका की कंपनी है, मोनसेंटो प्रोड्यूसेस BT कॉटन सीड्स, उसे दिया गया है क्योंकि उन्होंने आर्टिफिशियल बनाई गई बनाया है। लेकिन जो देसी कॉटन वेराइटी है, उसके लिए कोई प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन नहीं है। तो इस चीज को हम याद रखेंगे, प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, आर्टिफिशियली इंजीनियर्ड प्लांट्स के लिए दिया जाता है, नेचुरल या फिर वाइल्ड प्लांट्स के लिए ये प्रोटेक्शन नहीं है। द प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स एक्ट 2001। इसे हम मार्क करके रखेंगे। अगेन प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन के लिए एग्जाम्पल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे रेयरली इंपॉर्टेंट है। BT कॉटन को तो याद रखिएगा, बाकी सब चाहे तो आप भूल सकते हो। नेक्स्ट, नेशनल IPR पॉलिसी 2016, 3 मार्कर 5 मार्कर, रेयर चांस है आएगा लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। द न्यू IPR पॉलिसी अनवील्ड इज कम्प्लीटली कंप्लाइंट विद द WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ IPR, दैट इज TRIPS। द
पॉलिसी हैज़ अ स्पेशल थ्रस्ट ऑन अवेयरनेस जनरेशन एट स्कूल एंड कॉलेज लेवल, क्योंकि ट्रिप्स क्या है, पेटेंट वगैरह को प्रमोट कराती है, और पेटेंट, ट्रेडमार्क ये सब आते क्यों हैं, आईपीआर की वजह से या फिर हमारी ब्रेन की उपज की वजह से। दैट मीन्स लिटरली व्हाट इट मीन्स इज जो हम ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे तो नई नई चीज़ें डेवलप करेंगे। लिटरली व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इज नई टेक्नोलॉजी इवॉल्व करेंगे। तो इसी वजह से बच्चों को स्कूल और कॉलेज लेवल से अवेयर करा जाता है कि आप नई नई चीज़ों को डेवलप करो, इसे आप पेटेंट कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो, आपका नाम होगा, फिर अगर ज़रूरत पड़ी इस पेटेंट को बेच के हम पैसे भी कमा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्कूल और कॉलेज लेवल में बच्चों को सिखाया जाता है ताकि वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को हासिल कर सकें। नेक्स्ट, इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ आईपीआर, अलग अलग एक्ट्स के तहत, अलग अलग लॉज के तहत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करा जा रहा है। नेक्स्ट, एनकरेजमेंट ऑफ आईपी कमर्शलाइजेशन थ्रू वेरियस इंसेंटिव्स, गवर्नमेंट आईपी रजिस्ट्रेशन कराने के साथ साथ उनको कमर्शलाइज अलग अलग कंट्रीज में बेचने की कोशिश कर रही है, प्लस उन आईपी को इस्तेमाल करके नए नए प्रोडक्ट्स बना के उन प्रोडक्ट्स को बेच के कमर्शलाइज करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट, द पॉलिसी सजेस्ट इंसेंटिव सच एज टैक्स बेनिफिट्स, फी वेवर्स टू एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड आईपी क्रिएशन टू स्ट्रेंथन मेक इन इंडिया स्टार्टअप एंड डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स टू प्रोटेक्ट स्मॉल इन्वेंशंस डेवलप्ड स्पेशली इन इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। पॉलिसी विल प्रमोट यूटिलिटी पेटेंट्स विद लोअर कंप्लायंस बर्डन एंड शॉर्टर पीरियड ऑफ प्रोटेक्शन व्हेन कंपेयर्ड टू नॉर्मल पेटेंट्स ओनली फॉर मैकेनिकल इनोवेशन। तो कुछ स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है सो दैट मेक इन इंडिया स्टार्टअप एंड डिजिटल इंडिया कैंपेन कैन बी वेल प्रमोटेड। What is the future for National IPR Policy 2016? The policy aims to push IPR as a marketplace, marketable financial asset to promote innovation and entrepreneurship while protecting public interest, including ensuring the availability of essential and life-saving drugs at affordable prices. Literally, what government wants to do is entrepreneurship और नए नए innovations को promote करने की कोशिश करें, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आम आदमी को इससे नुकसान हो। गवर्नमेंट नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस ला रही है लेकिन आम इंसान को भी ये सारी चीज़ें मुहैया हो सके उसका भी ख्याल रख रही है। द न्यू आईपीआर पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड विद अ स्लोगन क्रिएटिव इंडिया इनोवेटिव इंडिया, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इज अ लार्जली अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। हाउएवर, टू ऑब्टेन द बेस्ट आउटकम द चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस नीड टू बी सुइटेबली एड्रेस्ड, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। सारी टेक्नोलॉजी आप इंडिया में डेवलप नहीं कर सकते, ये एक लिमिटेशन है। तो आपको हो सकता है आपको फॉरेन से टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, लाने के बाद आपको इंडिया में उसे पेटेंट कराना पड़ेगा, प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी काम करना पड़ेगा। हमेशा प्राइवेट कंपनीज पैसे नहीं लगा पाई, तो गवर्नमेंट को स्कॉलरशिप के जरिए, मनी एड के जरिए जो साइंटिस्ट हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें प्रोत्साहन देना पड़ेगा कि वो नए नए चीज़ें बनाए, नए नए टेक्नोलॉजी डेवलप करें, जिसको आईपीआर पॉलिसी के तहत हम रजिस्टर करके कमर्शलाइज कर सके। सो दिस इज अबाउट आईपीआर, बाकी का जो लेक्चर है कल करेंगे।